दुर्ग सांसद विजय बघेल की भूपेश बघेल को सीधी चुनौती सामने आई। भूपेश बघेल को दुर्ग से चुनाव लड़ने के लिए चुनौती दे दी उन्होंने। करीबियों को क्यों चुनाव में उतारना चाहते हैं भूपेश बघेल पूछ रहे हैं। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग हुई है, इसे लेकर भी निशाना साधा है। जहां जाएंगे वहां बंटाधार करेंगे, विजय बघेल की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है। राजनांदगांव की बात हुई तो मैंने कहा भाई दुर्ग आना चाहिए, दुर्ग उनकी कर्म भूमि है, उनकी जन्मभूमि है, आप उतारो ना, आप ही आओ, करीबी उरीबी नहीं चलता, आप खुद आइए। चैलेंज है मेरा। अब ये जहाँ जाएंगे वहाँ बंटाधार स्वाभाविक है ना। यहाँ तो लुटिया डुबो दिया छत्तीसगढ़ का, अब और जा रहे इधर उधर, तो जहाँ जाएंगे वो लुटिया डूबेगा। और अब जिक्र करेंगे कांकेर का, जहां बैंक से 1.5 लाख रुपए चोरी हुए, पार्षद के बेटे से चोरी हुई, स्टेट बैंक चारामा का ही पूरा मामला। चोरी का वीडियो अब सामने आ चुका है, लगातार वायरल भी होता हुआ। आपको ये बताएं कि मामले की जांच में पुलिस अब लगातार जुटी हुई, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, चोरी की पूरी वारदात यहां लगे कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं इस बड़ी आपराधिक घटना की, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। कांकेर का जिक्र है, सीसीटीवी फुटेज, चोर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें, इसी तस्वीर के आधार पर तलाश चल रही है इस व्यक्ति की। बैंक में चोरी हुई है, स्टेट बैंक चारामा का मामला, पार्षद के बेटे से चोरी हुई, अपराधी आपके सामने है। सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के हाथ लगे हैं, बड़ा आधार पुलिस के लिए जांच का। और रायगढ़ में